बेबाक समाचार में आप सबका स्वागत है। जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा भुगत रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जल्द ही तिहाड़ जेल से रिहा होंगे। तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने उनके वकील अमित शाहनी को जानकारी देते हुए बताया कि ओम प्रकाश चौटाला की जेबीटी भर्ती मामले में सजा पूरी हो गई है और वह विशेष छूट के पात्र हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी विधिवत रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने यह भी स्पष्ट किया है कि रिहा होने से पहले ओम प्रकाश चौटाला को औपचारिक रूप से जेल प्राधिकरण के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, क्योंकि वर्तमान में ओम प्रकाश चौटाला पैरोल अवधि पर जेल से बाहर हैं। ओम प्रकाश चौटाला के वकील की तरफ से भी यह जानकारी मिली है कि मंगलवार रात को उनकी सजा पूरी हो गई है। कुछ कागज कार्रवाई का काम अधूरा है, वह पूरा होते ही आधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश जारी हो जाएंगे। हालांकि वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला पैरोल अवधि पर जेल से बाहर हैं, ऐसे में अब उनको जेल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वकील ने बताया कि सजा होने के समय से लेकर मंगलवार तक सरकारी छूट समेत सभी मिलाकर ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। आपको बता दें कि साल 1999 में हुए जेबीटी भर्ती घोटाले में साल 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी। दरअसल 2018 में केंद्र सरकार ने एक नया नियम बनाया था कि 60 साल या उससे अधिक की उम्र में ऐसे पुरुष कैदी जिन्होंने अपनी आधी सज़ा भुगत ली है उन्हें विशेष माफी योजना के तहत रिहा किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने इसी योजना को आधार बनाकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी कि उन्होंने अपनी सजा के 5 साल काट लिए हैं और उनकी आयु भी 89 साल है, ऐसे में वो इस योजना के तहत सज़ा माफ़ी के हकदार हैं। बेबाक समाचार की आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट, और अगर आप नए आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।